रांची में, और आप सब अपनी फैमिली के हमरा आ सकते हैं, शायद मैं भी चक्कर और शायद गुलजार से मुलाकात कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत कुछ जो आप सीखना चाहते हैं, जान सकते हैं बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हैं, और बहुत सारे टोटके आपको बताएंगे शेफ गुलजार जी। इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप टीवी पर सवालात नहीं कर सकते, इसलिए कॉल मिलना एक मुश्किल काम है, तो यहाँ आप आकर PF म्यूज़ियम के अंदर आप मुझसे बहुत सारे सवालात पूछ सकते हैं, वो खाने से रिलेटेड हो या कोई टोटका हो, ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। जी हाँ, इंतज़ार रहेगा हर हफ्ता एतवार आप लोगों का PF म्यूज़ियम कराची में मलका फूड के इस ज़बरदस्त से ओपन एयर लाइव कुकिंग शो में। जागता रहता हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं, दिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यारे है? बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यारे है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यारे है? हाँ हाँ यही प्यारे है। जबरदस्त तालियां। अच्छा, इस वक्त मेरे हाथ में जो रेसिपी पैक इतफाकन आया है वो है टिक्का बोटी मसाला, और टिक्का बोटी मसाला आप लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि बारबी। अभी लास्ट वीक शेफ मेहदी शख्तर ने यहाँ पे टिक्का बोटी आपको बना के दिखाई थी, जितने भी लोग में हमने दिखाई थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, और विदाउट बारबेक्यू, विदाउट आग और विदाउट सीपों के जो है ना वो बारबेक्यू सेटअप यहाँ पे किया था, और बड़ी ज़बरदस्त बारबेक्यू उन्होंने बनाई थी। तो टिक्का बोटी आप बिना बारबेक्यू के भी घर में बना सकते हैं। तो अच्छा, ये है टिक्का बोटी मसाला, लाहौरी पाया मसाला, वो लोग जिनको पाया वाला पसंद है तो उनके लिए बिल्कुल रेसिपी पैक मौजूद है पाए का, और क्रीमी मखनी चिकन मसाला, लहसुन पाउडर। अच्छा, इनका अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी यहाँ पे मौजूद है जी। ये रहा गार्लिक पेस्ट और ये रहा जिंजर पेस्ट, तो ये भी मलका का ही है। आज जितने भी यहाँ पे मसाले इस्तेमाल होंगे कुकिंग शो में वो मलका के ही होंगे। अच्छा, प्याज, जो ब्राउन प्याज आप यूज़ करते हैं घर में वो भगार लगाने के लिए, तो ब्राउन प्याज जिसे कहते हैं, तो वो ब्राउन प्याज भी मलका की तैयार आपको मिलती है, कि आप पूरी पूरी जो है वो रेंज जो है वो परचेज करके ला सकते हैं, आपका पूरा किचन जो है कवर कर देगा मलका। तो मलका के ब्राउन प्याज भी मार्केट में अवेलेबल है। और जो मसाले हैं, तंदूरी मसाला भाई यहाँ पे मौजूद है, बम्बई बिरयानी मसाला, बिरयानी बहुत ज़्यादा हमारे घरों में बनती है, कराची में बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो बम्बई बिरयानी मसाला, यहाँ हमने बिरयानी बनाई थी और इंतहाई लजीज बिरयानी बनी थी कि मज़ा आ गया था, और आपको पता है कि शेफ के हाथ की बनी हो बिरयानी तो क्या ही कमाल होगी। तो आज हम देखेंगे शेफ मैरी शख्तर और शेफ गुलजार क्या बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हम सब मिलकर खाएंगे, आपको भी चखाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कैसे बनती है। पता नहीं आप लोगों ने कभी क्योंकि शेफ के हाथ का खाना खाया कि नहीं खाया, आज शेफ के हाथ का खाना ही नहीं खाएंगे बल्कि शेफ के हाथ से ही खाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा, ये इसके अलावा शामी कबाब मसाला यहाँ पे मौजूद है, और बहुत सारे मसाले हमने यहाँ पे मिक्स करके रखे हैं, कसूरी मेथी भी मौजूद है, तंदूरी मसाला है, सुर्ख मिर्च पाउडर जी, वो लोग जो खानों में लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सुर्ख मिर्च। फिर
हम ब्रेक ले लेंगे, उस ब्रेक के अंदर जो कुछ मामूलात कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो अजान ब्रेक से पहले पहले आइए मिलके ज़रा ज़ोरदार तालियों में हम अपने ज़बरदस्त शेफ, पाकिस्तान के फ़खर और हमारे कुकिंग आइकॉन को यहाँ पे बुलाते हैं आपकी ज़ोरदार तालियों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हिम द बिग हैंड फॉर शेफ गुलजार, सुपर शेफ, शानदार हैं ये। तो जोरदार तालियों में सुपर शेफ शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ और तमाम जो यहाँ पर, और इंशाल्लाह अभी हम शो शुरू करेंगे थोड़ी देर में। बहुत सारी चीजें जो टीवी पर पूछा जा सकता, यस मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैं शक्कर आपकी शेफ, और आज मैं बना रही हूं निहारी की रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मलका फूड की वो दिल्ली निहारी आज बनेगी और शेफ गुलजार बनाएंगे तवा चिकन। यस, मैं भूल गई थी इसलिए, तवा चिकन बनाएंगे शेफ गुलजार और मैं बनाऊँगी दिल्ली की स्पेशल निहारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खाना भी बनाओ मैं शानदार, जो भी खाए बोले बढ़िया मजेदार। देसी कोफ्ता था, चिकन टिक्का, चाइनीज चौमिन, फ्राइड राइस, मैक्सिकन बर्गर। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त जी, शेफ गुलजार का खाना तो कमाल है, डांस भी कमाल है। तालियां होनी चाहिए शेफ गुलजार के लिए, जरा जोरदार सी आप लोगों की। ये जो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, उसका नाम है चिरायतरा बूटी, चिरायतरा बूटी मिल जाएगी, और वो आप जो है ना एक चाय का चम्मच सवा कप पानी में डालकर बॉइल कर लें और उसको एक कप कर लें, और उसके बाद इसे ठंडा करके आपने दिन में एक दफ़ा पीना है, तो इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी कड़वी होती है, हाँ, और ये खून को साफ़ करती है और जिस्म के अंदर से जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना खून के अंदर, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करती है। 15 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी ये मसला होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो लगाने के लिए क्रीम है वो अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक खातून और थी जी, जिनके पैर जलते हैं और खून का दौरानिया ठीक नहीं है, उनको चाहिए कि अपना अशोक गंधा, एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम है अशोक गंधा, ठीक है, और वो आपने लेना है, उसको पाउडर बना लेना है, उसका एक चाय का चम्मच एक कप नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना रात में सोने से पहले लेना है, इंशाल्लाह ये मसला भी सही हो जाएगा, खून का दौरानिया भी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह हार्ट का जो मसला है ना उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू। और उस पर कट भी लगा हुआ है और इस तरह से हमने इसे खोल लेना, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने खोल लिया चिकन को और कटिंग रख कर मैं दिखा भी दूँ, इस तरह से हमने चिकन को खोल लेना ताकि ये चिकन जो है आराम से तैयार हो सके। और इसको हम लगाएंगे मसाला, और मसाला जो है वो हमारे पास है शीख कबाब मसाला, ठीक है जी, वो हम इस्तेमाल करेंगे एक पैकेट, और इस तरह से खुला हुआ होगा, ये देख सकते हैं कैमरे में, इस तरह से आपने छुरी की मदद से इसे खोल लेना है दो हिस्सों में, ठीक है, ये देखें, ठीक, और सीने के साइड पर हमने और रान के साइड पर कट भी लगाया हुआ है साथ में, ये देखें इस तरह से, ताकि सीने में ना ज़रा गोश ज़्यादा होता है और ये थोड़ा देर से गलता है, और दूसरा ये कि मसाला अंदर तक जाता नहीं है, तो इसलिए इस पर भी कट लगा लिया, और बड़े तवे पे वैसे इसको बनाया जाता है लेकिन हमारे पास कढ़ाई है, हम इसमें बनाएंगे इसको, ठीक। अच्छा जी, तवा चिकन बनने जा रहा है, बर्तन के अंदर हमने चिकन को इस तरह से डालना है और इसको हाथ से अच्छी तरह से, अभी चूल्हा यानी कि चूल्हा गर्म नहीं है, ठीक है, अभी हमने ठंडे चूल्हे के ऊपर ही इसको डाल दिया, और ऐसे करके ये देखें इस तरह से पूरे दोनों हाथों से इसका मसाज करना है ताकि ये रिलैक्स हो जाए मुर्गी, और जब रिलैक्स हो जाएगी तो मुर्गी भागेगी नहीं ना, ठीक है, मुर्गी के भागने का रास्ता आपने बंद कर देना है, ठीक है जी, और हो सकता है नींद आ जाए, नींद आ जाए तो ये सो जाए, ठीक है, इसी के अंदर ही, ठीक है, तो इसको हमने दोनों हाथ से अच्छी तरह मसाज करना है। इसमें दही है,
नहीं सर, ब्रेक होगा ना उसका, बना लीजिएगा। चलें जी, इसमें दही भी डाल दें। ये दही का पानी निकाला हुआ है, ठीक है, ये देख लें। दही का पानी निकाल कर हमने इसमें तकरीबन एक पाव दही डाल दिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हमने इसमें हमने इसको मसाले को अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको हम ढक्कन बंद करके और पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने बहुत सारे हरा मसाला डालना है इसके अंदर, ठीक है। ओके जी, दोबारा बोलेंगे वर्ड। हाँ, चिकन जो है वो करवट लेने लगा है, और देखते हैं कि जी किस करवट लेटता है, ठीक है। और इसको आपने 2 चम्मचों की मदद से हमेशा करना है, कभी भी 1 चम्मच ना मारें इसमें, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने दूसरी तरफ इसको पलट दिया, ठीक है। अच्छा, इधर गोश्त ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरी तरफ के, तो इधर हमने ज़्यादा बनाना है, ठीक है। अभी 10 मिनट इस तरह रखेंगे, नीचे से पक चुका होगा, फिर हम दोबारा से वापस का टर्न कर देंगे, तो फिर दोबारा से पकेगा। यानी कि 3 दफ़ा ये टर्न होगा, 2 दफ़ा टर्न होगा, 1 दफ़ा ज़्यादा मीट वाली जगह पर पकेगा, फिर कम मीट वाली जगह पकेगा, फिर दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान जो मसाला है खुश्क हो चुका होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इंसान भी सोते वक्त 3-4 दफ़ा तो करवट बदल ही लेता है, तो ये तो फिर चिकन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना खराब हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं होता हूँ तो वो बना लेती हूँ, इसलिए ज़्यादातर बाहर का काम होता है मेरा, तो कभी कभार घर पर जो है मैं भी इंशाल्लाह बना लेता हूँ थोड़ा बहुत जो भी होता है मुझसे। जी बहुत शुक्रिया। हमें मोहब्बत हो गई आपस में, तो उसके बाद हमारी शादी हो गई, तो माशाल्लाह हम दोनों ने उसको भी मेरे बारे में पता है, तो हम दोनों ने अब जाकर बहुत सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपस में कोई मुकाबला हो रहा हो या खाने पीने। हाँ, नमक वगैरह का ऊपर नीचे होता है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार आज खाने में थोड़ा नमक कम था या तेज था, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। चले, अभी ये मौका मैं सोच रहा हूँ कि अपने शो में जो है ना, मैं आप दोनों को बुला के ज़रा एक मुकाबला करवा लूँ मियाँ बीवी का। अच्छा, हमारे ये सिलसिला इत्तेफाक की बात है, बहुत पहले आज से 15 साल पहले क्या कहने। हाँ नहीं नहीं, शेफ गुलजार जो है जब डांसर अच्छे हैं, कुक अच्छे हैं, तो यकीनन सिंगर भी अच्छे होंगे, और हर वो शख्स जो अहले ज़ौक और अहले दिल होता है, यकीन करें वो सुरीला होता ही होता है। मुझे कभी कभार आंसू भी आ जाते हैं, इसलिए कि वो इतनी यानी कि मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं कि इतने जिंदगी से भी होने लग जाती है टीवी के ऊपर कभी कभार ना। अच्छा, हवा में उड़ने लगते हैं कभी तारीफ से? नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे खुशी ज़रूर होती है, इसलिए कि देखिए ये इसको कहते हैं हौसला अफजाई करना किसी का। आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो अगर वो अक्लमंद इंसान है वो सोचेगा कि यार मेरी हौसला अफजाई हो रही है, मैं और मेहनत करूँ और अच्छा काम करके दूँ ताकि मेरे देखने वाले जो है ना मुझसे खुश हों। तो इस तरह के सवालात या मोहब्बत की बातें जो है ना वो वाकई बहुत अच्छी भी लगती हैं कभी कभार। अच्छा, शेर व सुखन से कोई दिलचस्पी, अगर कोई आपको अचानक से बोले कोई अच्छा सा शेर सुना दे। नहीं, अच्छा अच्छा, मुझे मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है पहले के मुकाबले में। वो माइक भूल कर आ गया मैं अपना। अच्छा, जो कॉलर माइक। अच्छा ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना शेफ गुलजार और आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही मजेदार तवा चिकन। आइए देखते हैं तवा चिकन जो है कि किस पोजीशन में है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलने वाली है। यहाँ पर हमने जो है कबाब मसाला, टिक्का कबाब मसाला वो डाला और लगाकर इसको दही एक पाव और हाथ में अदरक लहसुन का पेस्ट इसको हमने लगाकर जो है ना ऊपर और नीचे से 20 मिनट के लिए पका लिया। उसके बाद हमने इसमें जो है ना मसाला, हरा मसाला जिसको कहते हैं, वो ऐड करेंगे और इसके अंदर हम डाल रहे हैं प्याज, तकरीबन एक छोटी चॉप चॉप प्याज डल रही है और इसके साथ टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया ये भी चॉप चॉप, कलर बहुत ही और इसे हमने इसी तरह से दम पर बनाना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसका और आप इंजॉय करेंगे तवा चिकन के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक लिए बाबा 50 ग्राम बनफ्शे के पत्ते, 50 ग्राम दालचीनी, ठीक है ये तीनों चीज़ों को कुटवा लें मोटा मोटा पंसारी की दुकान से और इसका एक चाय का चम्मच सवा कप पानी में डालें और उसको बॉयल करके एक कप कर लें, छान लें, छानने के बाद रात को सोने से तकरीबन 10 मिनट पहले चुस्की लेके जैसे चाय पीते हैं थोड़ा नीम गर्म उसको चाय की तरह पिए और सो जाएं। फिर दूसरा कुछ खाना नहीं है वरना इसका असर ज़ाया हो जाता है अगर इसके ऊपर पानी पी लें या कुछ खा लें, ठीक है तो उसको आपने पीने के बाद सो जाना है, बस सोने से पहले ही लेना है। तो इंशाल्लाह खराटे पहले दिन से ही बंद हो जाएंगे, घर वाले खुश, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बस ये फाइनल डन हो रहा है, इसके ऊपर हमने इसको फाइनल बना लेना है और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे, इसके ऊपर छिड़केंगे चाट मसाला और मजे लेकर खाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी इस करवट इस मुर्गी की नींद पूरी होगी। हाँ तो चाट मसाला पानी आ रहा है बन जाएगा, इसको रोजाना सुबह आधा चम्मच, कितने साल की बच्ची, 9 साल, एक चाय का चम्मच सुबह, एक चाय का चम्मच रात को, इंशाल्लाह 2-3 दिन में बंद हो जाएगा और इसको तकरीबन 15 दिन का कोर्स पूरा करवा लें, ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा मामला, ठीक है। हाँ एक मिनट, बारी बारी सवाल मेरे पास और भी हैं, होल्ड पे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है तो खाने में कौन सी ऐसी चीज़ ऐड की जाए जिससे ये एसिडिटी, मतलब खाने के बाद दवाई नहीं लेनी पड़े, उसमें खाने में ही जो है वो चीज़ ऐड हो जाए। तेजाबियत मैदे की, खाने में तो ऐड नहीं कर सकते इसको, आप अलग से लीजिएगा, इसका नाम है तिरफला, ठीक है अभी मैंने बताया था पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तिरफला ले लें 50 ग्राम और 20 ग्राम इसमें पाउडर वाली हींग मिला लें, इसलिए कि ये तेजाबियत का मामला अंदर से जड़ से होता है, ठीक है। खाने पीने में आप अगर खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा रखें बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको तेजाबियत नहीं होने देती है, और खीरा यानी कि 2 सुबह के टाइम पर और 2 जो है दोपहर के टाइम, रात में ना लीजिएगा खीरा, रात में बदहजमी करता है, और ये अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें खीरे का इस्तेमाल। और दूसरा ये कि इसमें जो है आपने जैसे मैंने भी बताया तिरफला ले लें और इसमें 20 ग्राम पाउडर वाली हींग मिला लें, मिक्स करके रख लें, आधा चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद और आधा चम्मच रात खाने के आधे घंटे बाद, इंशाल्लाह 3 महीने का कोर्स है इसको कर लें, तेजाबियत बिल्कुल से जड़ से ख़त्म हो जाए। और इसबगोल दाना, एक तो होता है इसबगोल की भूसी, एक होता है इसबगोल साबुत, ठीक है वो आपने तीनों चीज़ें लेकर साफ करके बोतल में बंद करके रख लें मिक्स करके, ठीक है। और इसका एक चाय का चम्मच पानी में मिक्स करें, 10 मिनट के लिए छोड़ें, गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा और इसको आप फौरी तौर पर लें, इंशाल्लाह ये जो तेजाबियत बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग कर रही है, पाँव में कभी कहीं है कभी कहीं है, और जैसे मैदे का मसला है तो ठंडी चीज़ें लेते हैं और इसबगोल वगैरह खाते हैं तो फिर जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, तो उसका क्या हाल है जी? जोड़ों में दर्द और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें तो फिर जोड़ों में दर्द। देखिए इसबगोल भूसी जो है ना वो ठंडी भी होती है और ये जोड़ों में नुकसान करती है जब ज़्यादा टाइम तक आप इस्तेमाल करते रहें, लेकिन इसबगोल साबुत भी एक चीज़ होती है यानी कि दाना होता है वो इसबगोल का साबुत कहलाता, उसको आप इस्तेमाल करें, उसको आप अगर मैदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जोड़ों के दर्द के लिए मोरंगा एक दरख्त होता है जिसको हमारे यहाँ उर्दू में सुहाजना कहते हैं, सुहाजना का गोंद मिल जाएगा वो ले लें 50 ग्राम, और इसी के साथ एक और गोंद होता है उसका नाम है कमरकस, ठीक है वो भी 50 ग्राम ले लें। सिंगाड़ा
50 ग्राम ले लें, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें, अब आपका मसला सारा हल हो जाएगा। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, जो विटामिन सी, ई, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, ये चार चीज़ों में। और कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पूरे बॉडी का दर्द, सबको कंट्रोल करेगा। इन चार चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें, एक चाय का चम्मच एक कप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी के लिए मसला हल होगा और हमेशा के लिए हल हो जाएगा, ठीक है। और इसको रेगुलर 3 महीने तक इस्तेमाल करें। जी जी जी, और किसी का कोई यानी कि हल नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए है आपके साथ। मैं सॉरी के साथ मैं कुदरत के मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको जवाब बता दिया कि इसका मसला क्या है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि डेरी प्रोडक्ट जैसे दूध है, दही है, पनीर है, इससे भी एलर्जी होती है डेरी वालों से ना, डेरी प्रोडक्ट से भी बहुत सारे लोगों को, तो वो जैसे दूध खाएंगे पियेंगे या दही खाएंगे फ़ौरन उनको जो है एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जी जी, सवाल बहुत सारे और भी नाम है इसके, ये बेसिकली एक एलर्जी भी है और एक मैदे की एक बीमारी भी है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल पर, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें जी। 50 ग्राम आपने पहाड़ी पुदीना ले लेना है, काली हड़ 50 ग्राम ले लेना, और इसके साथ जो है ना अपना क्या नाम है सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें। और हर खाने के बाद जो है ना, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसमें आधा चम्मच जो है ना काला नमक मिला लीजिएगा, अगर ब्लड प्रेशर है तो ना मिलाइएगा। हर खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करें, 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह वो जो मैदे की एलर्जी और बीमारी है ना इंशाल्लाह सही हो जाएगी, ठीक है। आराम आराम से बिल्कुल पूरा माथा ही वाइट हो गया और नज़ला भी रहता है, तो इन दो चीज़ों का प्लीज़ ज़रा ध्यान रखा दीजिए। नज़ला गले पे गिरता है, गले में गिरता है नज़ला रात को सोते वक्त, नज़ला गले में गिरता है, पता चलता है इसे जैसे बलगम आ जाता हो ज़्यादा, ठीक है, लेकिन नज़ला रहता है। अच्छा ठीक ठीक, साइनस बंद रहता है, ठीक है। इस्ते खुदूस लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, इस्ते खुदूस एक जड़ी बूटी आती है वो लेना है, एक चाय का चम्मच, सवा कप पानी में डालना है, बॉईल करना है, दिन में 2 दफ़ा पीना है, ठंडा करके पीना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना, नीम गर्म करके, और उसको अपनी चाय की तरह पी लेना है। अगर कोई शुगर वगैरह नहीं है तो काला गुड़ पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, उसको कहते हैं पुराना गुड़, काले रंग का होता है, उसका 1 इंच या 2 इंच का टुकड़ा डालकर चाय बना लो उसकी, ठीक है। इस्ते खुदूस जड़ी बूटी है जिसको चाय में डालना है, सवा कप पानी में बॉईल कर लेना, 1 कप करके छान लेना, उसमें गुड़ मिला लेना काला गुड़, और उसको 2 दफ़ा चाय सुबह पीनी और रात को पीनी खाने के 1 घंटे बाद, ठीक है। सुबह नाश्ते के सब चीज़ें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, बिस्मिल्लाह करके 3 महीने तक इस्तेमाल करो, ठीक है। ओके, और इसमें मैंने चिकन डाल के और अनियन था वो डाला है और पेस्ट सारा मतलब फूड का ही स्पाइसेस था वो डाल के, और इसको अब यहाँ पे जो है तैयार करके आटा गूंथना है, 3 बास्केट का 3 और भून जाएगा, इसमें पानी डाल के और ये करना है कि इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जब हम आटा जब इसमें ऐड करें ना तो जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे चिल्ली और ऑयल को थोड़ा सा कुक करेंगे और ऊपर से भगाड़ लगाएंगे मसाले में ताकि दोबारा से ऑयल जो उसकी रिक्वायरमेंट हो। चले फिर आप देखते हैं किस तरह से बनाओ। 14 अगस्त आ गए, झंडिया लगा दो, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। देखिए मेरी फोन की समझ आ रही है।
आपकी बहन की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी। मेरी बहन की जिम्मेदारी उठाने वाला पीछे कंधा खड़ा होगा। दो साल का मिला तो एक महीने बाद का अपना भी तो टिकट बुक कराया ना अभी मैंने। पहले मैंने बोला तो नहीं, वो तो मजाक में इसलिए बोला कि कभी कभी कबूलियत की घड़ी भी होती है। देख लो अब देख लो जाने से पहले आप लोग चाय वाइटल के स्टॉल से पी लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं अच्छी चाय नहीं मिलेगी। और अब जो चाय वाइटल के स्टॉल पे मौजूद है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसके बाद नई चाय वो बनाएंगे नहीं। तो जो चाय मौजूद है तो वही चाय आप लोगों को दी जाए और ताज़ा दम हो सकते हैं। मैं तो ब्रेक में चाय पी कर आ चुका हूँ, एक बार फिर से चार्ज हो चुका हूँ। जी बेटा आप लोग सामने जाके बैठें, हाँ सामने जाएं। ये स्टेज है, प्लेग्राउंड नहीं है, आप लोग सामने जाके खेलें। चलिए जी, निहारी जो हमारे कराची की एक ख़ास पहचान है, और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया, बहुत सारे शहरों में गया तो वहाँ निहारी मिली मुझे। लेकिन जो बात कराची की निहारी की है वो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, गुजरावाला में भी, सियालकोट में भी, तो मैं तकरीबन ब्रांचेज में उनके जाके निहारी ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन जो कराची की निहारी की बात है वो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं मिली मुझे। तो और यही कराची की निहारी, लेकिन चिकन में तैयार की है शेफ महविश अख्तर ने। और तकरीबन जी तो निहारी ऑलमोस्ट रेडी है, और अभी तक इसमें क्या क्या डल चुका है ये हमें बताएंगे महविश। ये निहारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, और इसमें जिस तरह से मैंने बताया था मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दिल्ली निहारी मसाला हम बना रहे हैं मलका फूड्स का। अच्छा, इसमें जो है हमने ऑयल ऐड किया था, ऑयल ऐड करने के बाद चिकन को जो है वो फ्राई कर लिया था, ये समझ लें हल्का सा, मतलब आपने उसको फ्राई करना है, स्टर फ्राई जिसे कहते हैं। फिर आपने इसमें ऐड करना है दिल्ली निहारी मसाला, साथ साथ आपने इसमें ऐड करना है जी ये ब्राउन वाली अनियन है जो कि मलका फूड की है वो ऐड करनी है, और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने ऐड करना है जो कि मलका फूड का है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भून लेना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी वाटर, और जब ये टेंडर हो जाएगी मतलब गल जाएगी तो आपने इसमें ऐड करना है आटा, और आटे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, उसके बाद उसमें पानी में डिजोल्व करके उसको आपने वो कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि इसका मसाला इतना स्पाइस अच्छा था कि ऑयल जो था वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ऑयल को जो है वो निकालती, और सॉरी ऑयल इसमें डालती, मतलब ऑयल था इसमें ना इमरान, ये आप इसको उठाएंगे प्लेट को, थैंक यू। देखें यहाँ पे ना ऑयल इतना यहाँ पे था, इसका स्पाइस इतना अच्छा था दिल्ली मसाला वाला कि इसमें ऑयल मुझे ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ऑयल इसका ख़त्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, सॉरी हाँ ख़त्म हो जाए, तो आपने ये करना है कि रेड चिली पाउडर लेना है और ऑयल लेना है, और उसको फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा मतलब कुक कर लेना है ताकि उसकी जो चिल्ली की जो एक अलग सी स्मेल होती है, कच्चापन, वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें दाल की तरह भगाड़ लगा देना जिस तरह से दाल में भगाड़ लगाते हैं। तो ये देखें ऑयली सा बहुत अच्छा सा ये हो गया है, और निहारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। ऊपर से आपने इसमें गार्निश करना है ग्रीन चिल्ली और लेमन और कोरिएंडर। ठीक है जनाब, ज़बरदस्त मज़ेदार निहारी। ठीक है, थोड़ा सा रेड कलर भी डाल देते हैं इसके ऊपर। चल ज़बरदस्त जी, दिखाइए बिलाल ज़रा, बिल्कुल बड़ी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ये है तवे पे बना हुआ चिकन, तवा चिकन, और हमारा ट्रेडिशनल है लाहौर में खास तौर पे, बड़ी अंदाज है, बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन अंदरून लाहौर के अंदर जो एक खास है जो कि पहले बड़े बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि जो बुरखे वाले बच्चे हैं उनको बुलाएंगे, उसके बाद छोटे बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है जी, पीछे जो पिंक कलर का जिन्होंने निकाब किया हुआ है वो आ जाए पहले। पहले चले पिंक कलर का निकाब मैं ढूंढूं, निकाब पोश पिंक कलर। अच्छा, जो लोग स्टेज पे होंगे उनको नहीं बुलाएंगे, आप लोग सामने जाके खड़े होंगे क्योंकि हमारी नजर सिर्फ वहां पे जा रही है। जी अब बताएंगे क्या ट्राई करेंगी। जी क्या ट्राई करेंगे निहारी या तवा चिकन, आप क्या ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपको शेफ महविश जो है ट्राई करवाएंगे और ये शेफ गुलजार। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप फेस करिए।
मसालेदार। आप इस तरह जी आप लोग कैसे मलका का रेसिपी पैक आता है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए आप।